दिखाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। माशरे को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी आधी आबादी का गला घोटकर, उनकी आवाज दबाकर तरक्की नहीं कर सकता। वही तुमने तो मुझे कहा था कि मैं किसी और से शादी के बारे में सोचूं भी ना, तो मैंने माँ बाबा को बता दिया है। वो चाहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को लेके जल्दी से हमारे घर आ जाओ। तुमने इतनी जल्दी बात भी कर ली। हाँ, she's nice. आप कर ले बात, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। गुनगाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है आपको। शायद मेरे डैड ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। अलीज़ा, हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? वो दो तीन सारे सेमिनार चल रहे हैं, आई एम जस्ट हियर फॉर दैट। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना मनाएं, आई'd लाइक टू से समथिंग। लुक, योर पिक्चर्स डोंट डू यू जस्टिस। यू आर मच बेटर लुकिंग इन रियल लाइफ। थैंक्स। हाय। लीज़े, सलमान भाई कहाँ रह गए? बिजी होगा कहीं। पहले तो उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी, अब कहाँ गायब हो गए? जॉब लगी है ना? नहीं नहीं कॉल की तुमने उन्हें? हाँ की थी, उसने कहा था खुद कॉल बैक करेगा। और अगर उसने कॉल बैक नहीं की तो? नहीं की तो नहीं सही, इतना बड़ा इशू क्या है इस बात का? डोंट गेट इट, एक रिश्ता ही तो है, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही। अजीब यार, तुम लोगों ने मेस बना दिया इस बात को। क्या उसे पता है कि तुम्हारा रिश्ता आया हुआ है और वो भी किसका? फलाह तो रिश्ता जब से आया ना, अजीब घर में टेंशन है। आई डोंट गेट इट। लाइट बंद करो और मुझे भी सुन लो। अपना लैंप बंद करो यार, जाओ यहाँ। तुम्हें पता है वो एहसन अंकल रोज कॉल्स करते हैं, मामा बाबा क्या बहाने बना रहे होंगे उनके सामने। हेलो, हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। माँ बाबा इतने परेशान हो रहे हैं तुम्हारा, पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम, जवाब है तुम्हारे पास कोई? आखिर किस बात की जल्दी है तुम्हें? जल्दी मुझे नहीं तुम्हें थी, तुम भूल गए हो क्या? हाँ मैंने कहा था, और ये भी कहा था तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर इतनी जल्दी नहीं। तुमने बहुत जल्दी की अपने घर बात करके। मैंने जल्दी की है? मेरे घर में मेरा रिश्ता आया हुआ है, तुम उनसे एक दफा मिल तो सकते हो ना? क्या करूं मिलकर, मुझे बताओ मेरे पास है क्या? सब कुछ तुम्हारे सामने है यार। अभी एक महीना हुआ जॉब मिले हुए, और जाकर ये बोल दूं कि मेरी शादी कर दो। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है यार। तुम्हें इनकार नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मेरी बात को? लेकिन मैं तुम्हें इनकार कर रही हूं। मैं तुम्हारा वेट इसलिए करती हूं कि तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी कमिटमेंट है मेरे साथ, लेकिन अफसोस कि तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता। हेलो अलीज़ा, मैंने तुम्हारे लिए इतना मजे का फालसे का शरबत बनाया है और तुम बाहर ही नहीं आई। बाबा भी पूछ रहे थे तुम्हारा। आज छुट्टी लेना तो आई थॉट टू रेस्ट अप। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है। जिस उम्र में लड़के स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस उम्र में वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, हमें और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी अगर सलमान को और टाइम चाहिए या तुम इंतज़ार करना चाहती हो तो माँ मुझे किसी का कोई इंतज़ार नहीं करना। वो तो पहले भी सलमान ने इसरार किया था, वरना मैं तो आप लोगों से बात भी ना करती इस बारे। अच्छा चलो जाने दो, कोई बात नहीं,
होगी उसकी भी अपनी कोई मजबूरी। देखो ना, इस शहर में रहना आसान तो नहीं है ना, रोज़ कितनी ख्वाहिशात का गला घूंटना पड़ता है, ये तो वही जानता है जिस पे गुजरती है। लेकिन बेटा, अब हम लोग भी तुम्हारे फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहते हैं। तुम लोग बोझ नहीं हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हो ना। माँ पापा से कहते हैं जो उनकी मर्जी है वो मुझे मंजूर है, और ये बात मैं बेदिली से नहीं कह रही। अच्छा तो फिर शेरी से मिल लो, वो भी तुमसे मिल ले। हाँ मैं देख चुकी हूँ, होटल में मिला था मुझसे। रियली? अच्छा कैसा था, क्या तुमसे मिलने आया था वो? नहीं, इत्तफाक था। हो, कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा फिर उनको बुलवा ले, वो वैसे भी मिलने आना चाह रहे थे। बुलवा लें, वहाँ आपके और बाबा का भी तो मिलना ज़रूरी है ना। ठीक है, एक्सीलेंट। सीयर मे जॉन। इतने दिन हो गए, लड़की वालों से कोई जवाब नहीं आया बाबा। लड़की वाले हैं, टाइम तो लगेगा ना। इतना भी क्या टाइम, मुझे लगता है मना कर देंगे। इंतजार कर लेते। नो मोर इंतजार डैड, यू नो नतानिया राइट, शेरी भी जानते हैं। हेलो शेरी। शेरी कैन यू प्लीज पुट दिस फोन डाउन, मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ यार। हाँ ओके ओके। यू रिमेम्बर नतालिया राइट? सो नतालिया ये वो लड़की है बाबा जो इटली गई थी शेफ कोर्स करने के लिए। हाँ जानता हूँ गिलानी साहब। एग्जैक्टली, सो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना शेरी और नतालिया को मिलाया जाए, और उसकी बेकरी भी है, सो वी कैन यू नो आई कैन सेट अप अ मीटिंग। क्या कहते हो शेरी? हाँ देख लो, मुझे भी कोई ऐसा नहीं। हेलो जी, बेहतर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, कौन था? एहतिशाम साहब का फोन था। क्या कह रहे थे? यकीनन मना ही किया होगा। उन्होंने अपने घर इनवाइट किया है, लड़की ने हामी भर ली। इतने दिन कहाँ गायब थे बाबा, आप उन्हें कह दे हमने अपना माइंड चेंज कर लिया। जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उनके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं डैड? जब आप किसी को नौकरी भी देते हैं ना, तो आप उसका रेफरेंस चेक करते हैं, और ये तो जिंदगी का सवाल है। दे आर टोटली स्ट्रेंजर्स टू अस। वैसे भी आई थिंक नतालिया इज अ बेटर चॉइस, हम उसको जानते हैं। आप उनको कह दें, एक्चुअली उनको जवाब ही ना दें। नहीं, जवाब तो देना होगा। ठीक है, आप बोल दें कि दे टुक सो लॉन्ग, सो वी चेंज आवर माइंड। बेटा, व्हाई आर यू पुटिंग मी इन ऑकवर्ड पोजीशन? देखो, उन्होंने बुलाया, हमें जाना तो पड़ेगा। आई एग्री, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और नतालिया डैड, मेरी एक्चुअली बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस घर में। पिछली बार तुम अपने फ्रेंड के घर ले गई थी ना, जो घर से बाहर ही नहीं निकली। मुझे क्या पता था डैड के उसके जहन में क्या चल रहा है। आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। और अच्छा ही हुआ ना, देखिए वो किसी और को पसंद करती थी। मेरा ख्याल है कि हमें उनके घर जाना चाहिए, अच्छे लोग हैं और शेरी को लड़की भी पसंद है। शेरी, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? यार देखो, डैड ने पहली दफा किसी से रिश्ते की बात की, अब वी शुड गो अहेड विद इट। नहीं, नतालिया से तुम मिल चुके हो, यू नो द गर्ल, यू नो द फैमिली। मिला तो अलीजे से भी है, बताओ ना यार। ये मैं क्या सुन रही हूँ शेरी? यार बस वो ऐसे ही एक्सीडेंटली आई जस्ट मेट हर आउटसाइड द होटल जस्ट क्विकली। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। यार ऐसा भी नहीं है, मैं तुम्हें बताने लगा था, बस मौका नहीं मिला, दैट्स इट। ये तुम बाबा को बता सकते हो, मुझे नहीं। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है भाई, तो मुझे क्यों पागल बना रहे हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें यार, फॉर गॉड सेक। देखो भाई, मैं तो जरूर जाऊंगा, ये कोई मजाक नहीं है। तुम नताशा को समझा ले। मैं समझाऊं इसे? और कौन समझाएगा? हाँ, शादी तुम्हारी है ना, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तुम ही फैसला करोगे कि अलीजे या नतालिया।
अंकल, वो लोग आ रहे हैं कल हमारे से मिलने। इसका मतलब है कि कल बात पक्की हो जाएगी। नहीं बेटा, अभी कहाँ, अभी तो वो आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे। अभी तो बाबा लड़के से भी नहीं मिले, सिर्फ हमदानी साहब से ही मिले हैं। उसके बाद कुछ डिसाइड होगा, लेकिन खाने का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा ना। खाने वाने का इंतज़ाम करने की क्या ज़रूरत है, कौन सा भी बात पक्की हो गई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये बात तो है, मगर वो जो उसकी बहन है ना, क्या नाम था उसका, नताशा, उसकी कोई मीटिंग है, सो उसको आते आते देर हो जाएगी बेटा, फिर खाने का वक्त हो ही जाता है ना। किस सोच में गुम है मेरी बेटी? जिंदगी के मंजर इसी तरह बदल जाते हैं, फिर पिछला आहिस्ता आहिस्ता जहन से, जिंदगी से सब महव हो जाता है। तुम्हारी उम्र में हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो बहुत बुद्धू थी। अलीजे, कुछ कह रही हूँ तुमसे बेटा। ओफो माँ, ठीक हूँ मैं, ऑनेस्टली नथिंग रॉन्ग। अच्छा, वेयर समथिंग नाइस टुमारो। मेरे ऑफिस से कर। तो ना जाओ ना। नहीं क्यों ना जाओ ऑफिस, मेरी भी तो मीटिंग्स हो सकती हैं ना। और आपने हम को बुला तो लिया है, और प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को ना थका ना लीजिएगा। आप हमेशा इतना अहतमाम कर लेती हैं, इतना सेटअप लगा देती हैं, नो नीड फॉर दैट। मेरी बेटी का ससुराल है, क्यों ना करूँ। अभी कुछ नहीं पता, यू हैवन मेट देम, हम उन्हें जानते भी नहीं। ओ गॉड अलीजे, तुम हर ओकेशन को कितना बोरिंग बना देती हो। मामा मैं सोची हूँ एक नया ड्रेस लेके पहनूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ इसके लिए भी कुछ अच्छा सा निकाल देना। कम ऑन अलीजे, खुश हो जाओ ना। क्या पता वो लोग वाकई अच्छे हों, हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा अच्छे हों, ऐसा हो सकता है ना मामा? बिल्कुल हो सकता है, रिश्ते जो है ना वो आसमानों पे ही बनते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम हो नताशा जी, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अपनी सुनाएं। मैं ठीक हूँ। हमदानी भाई बता रहे थे कि तुम अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आई हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सके इतना अच्छा लगा। अच्छा ये लो, इनसे मिलो, ये मेरी बेटियाँ हैं दोनों। असलाम। ये बड़ी बेटी है अलीजे और ये छोटी बेटी है रमजा। हाय रमजा, तुम मेरे साथ जरा आओ। साइमा, सो व्हाट डू यू डू अलीजे? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आई थॉट यू न्यू अबाउट दिस। आई एम सो सॉरी, जस्ट स्लिप माय माइंड। स्मॉल लिटिल डिटेल्स कभी कभी बिल्कुल दिमाग से निकल जाती हैं। बट एनी वे, आपके क्या प्लान्स हैं प्रोफेशनली? आई थिंक इन 6 years आई वॉन्ट टू बी द सीईओ ऑफ माई ओन कंपनी। वाओ, मच अहेड ऑफ योर टाइम। रेसिप। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? गुड। सो वैसे तुम्हें हाँ कहने में ज्यादा टाइम ले रही हो? आई मीन यूजली जब मैं इतना सीरियसली किसी लड़की को पूछूं, एक सेकंड नहीं लगाती वो। और आप उन लड़कियों को एक सेकंड में रिजेक्ट भी कर देते हैं। यार हर दफा ऐसा भी नहीं होता। आई टेक टाइम टू टेक माय डिसीजन। गुड, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। यू आर अ बिजनेसमैन, आप तो जानते होंगे ये चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती हैं। हाँ लेकिन मुझे लगता है कई बार हम कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं चीज़ों को, अननेसेसरी। आप जानते हैं ना मैं काफी करियर ओरिएंटेड हूँ। व्हाई डिड यू फील द नीड टू से दैट? क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें ऐसे कंडीशन किया है दैट वुमेन आर सपोज्ड टू वर्क। लेकिन ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं सोचता। आई मीन आफ्टर ऑल मैं भी द करियर ओरिएंटेड हूँ, लेकिन आई डिडंट फील द नीड टू से इट टू यू। नहीं, आई जस्ट थॉट टू क्लियर इट आउट बिकॉज आई एम क्वाइट पैशनेट। और मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती कभी भी। और ना ही तुम्हें छोड़नी चाहिए, इंसान का लाइफ में कुछ ना कुछ तो गोल होना चाहिए। वैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका? मामा हमेशा कहती हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों की तरह होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक पहिए की हवा पहले ही निकाल दी जाती है, जिसकी वजह से रास्ता और रिश्ता दोनों बोझ बन जाता है।
ऐसे अंकल ऐसे लगते तो नहीं है. बाबा इज माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग. ही इज क्वाइट कंपोज एंड बैलेंस. सो द बार इज सेट हाई. या द बार इज हाई. बाबा को इतनी इज्जत इसलिए मिलती है कि वो इज्जत देना जानते हैं. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होना भी ऐसे ही चाहिए. इट्स अ लवली गार्डन आई मस्ट से. इसमें परिंदे वगैरह नहीं? नहीं, सिर्फ दाना पानी है. जिसने घोंसला बनाना हो बना लेते हैं, इसमें रहते नहीं हैं. देखिए इसका दरवाज़ा भी हर वक्त खुला रहता है. यानी इसमें रहने या ना रहने का इख्तियार इन पे छोड़ दिया गया, जैसे इनकी मर्जी. ये किसका आइडिया था? पता नहीं आइडिया किसका था, लेकिन बचपन से यही देखते आ रहे हैं. और इससे बहुत कुछ सीखा भी कि जिसको दाना पानी दो, छाँव दो, उसको पाबंद ना करो, उसकी आज़ादी का एहसास करो. आखिर उसका भी अपना कोई वजूद है. That's a beautiful thought. लेकिन मेरा मानना कुछ और है. मुझे लगता है अगर किसी चीज को पसंद करो तो उसे कैद कर, ताकि वो कहीं जाना सके. अरे I'm kidding. क्या हो गया? Relax. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता. बल्कि मेरा मानना यह है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ग्रोथ ना हो तो बेकार है. आखिर मैंने भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखा. ओह हाय रमजा. हाय. हाउ आर यू? आई एम गुड. यार ब्यूटीफुल गार्डन आई मस्ट से. अलीसे का शौक है ये. मैं तो बस ये सोचती हूँ जब यहाँ से जाऊँगी कितना मिस करूँगी इसे. क्या मतलब? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी भी शादी हो रही है क्या? नहीं अभी नहीं, लेकिन कभी तो होगी ना. बिल्कुल. प्लानिंग, इंसान को प्लानिंग करनी चाहिए. आप तो देखने चाहिए ना. अरे बड़े बड़े. एंड यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स. रमजा एक्सक्यूज मी. वैसे आपके क्या ख्वाब है? ड्रीम्स आर टू प्राइवेट टू शेयर. मेरे साथ भी नहीं, मेरे साथ तो शेयर कर सकते हो. आप कौन? दैट्स राइट. फिलहाल तो मैं कोई भी नहीं हूँ. अच्छा सुनो क्या बात हुई? मैंने जितनी बात करनी थी कर ली. बात बताते कि मैं तो सारी जिंदगी प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए मैं तो इस बात पे कामिल यकीन रखता हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छे बुरे नहीं होते. हर एक की अपनी किस्मत है, किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच ही जाते हैं जहाँ पहुँचना होता. अब तो रिसर्च बताती है कि बच्चों की तरबियत 18 साल पहले होती है उनकी शादी से, यानी शादी से भी पहले. देखे ना, अगर वालदैन की तरबियत होगी तो बच्चे की होगी ना. हाँ बिल्कुल. और इसलिए असातिज़ा का रोल बहुत बढ़ जाता है अगर पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा रहे हो तो. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों. बल्कि मैं तो यही समझता हूँ कि माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है बच्चों की तरबियत करना. इसलिए तो आजकल के बच्चे जो हैं वो अपनी नाक से आगे देखते नहीं हैं. दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स. अपनी बुराई नज़र नहीं आती और सिर्फ दूसरों की नज़र आती है. ट्रू ट्रू. बेटा आपने इतनी स्कॉलरशिप ली थी, वैसे करती क्या थी? कुछ खास नहीं, बस टाइम पे पढ़ती थी, असाइनमेंट सबमिट कराती थी. अभी मुझे जर्मनी से ऑफर आई है. ओ भाई जर्मनी को वहीं रोक दो. मेरा मतलब है कि अभी तो बात शुरू हुई है. वैसे भाभी कमाल की रान बनी है, मज़ेदार. ये तीसरी दफ़ा ले रहा हूँ. पता नहीं मेरे पाँव को क्या हो गया, जरा सा खड़ा होना पड़े ना तो दर्द शुरू हो जाती है. ठीक ही नहीं हो रहा. हाय लाइन देव. वैसे काफी अच्छे लोग थे
और शेरी तो बहुत अच्छी आदत का लग रहा था। और उसकी बहन? बहन बहन भी ठीक ही थी, क्यों कुछ कहा उसने तुम्हें? सब कुछ जुबान से थोड़ी कहा जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। बस उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो खुशी से आई है। लेकिन शेरी तो काफी तमीजदार लग रहा था और उसके वालिद भी काफी नफीस हैं। क्यों एहतशाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शादी तो अजीज़े की होनी है ना। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी शरी से कोई बात हुई? बाबा एक ही मुलाकात में किसी को जाना थोड़ी जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम उनके पाबंद हैं ना वो हमारे। ये तो बात शुरू हुई है, अगर तुम्हें किसी भी वजह से वो लोग पसंद नहीं आते तो हम ये सिलसिला यहीं ख़त्म कर सकते हैं। जरा दम तो लेने दें एहतशाम साहब, अभी तो वो लोग गए हैं। मुझे तो वो लोग काफ़ी माकूल लगे, फिर नताशा की तो शादी हो जाएगी, वैसे भी माँ के बाद सारी जिम्मेदारियाँ उस पर पड़ गई हैं। मुझे नहीं लगता हमदानी साहब और शहरी उसके इतने ज़ेर असर होंगे, लेकिन खैर कुछ कह नहीं सकते, आखिर तो घर की करता धरता वही है। देखें अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, प्लीज कयास आ रही है ना करें। मेरा तुम अपना कंफर्ट लेवल देखना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, शादी ऐसी थोड़ी हो सकती है। कंपैटिबिलिटी मेरी नज़र में उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है जिसमें औरत को इज्जत ना दी जाए। हम बहुत मेहनत से वो बनते हैं जो आज हम हैं, तो किसी को हक नहीं है कि वो हमें मिटा सके। आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे गोलमोल बातें नहीं आती। गुन गाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। अब टाइट से लोग लग रहे थे मुझे, स्पेशली अनीज़े, और ये जो फोर्स्ड एटीट्यूड है ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे से बात बात पर ऐसे मुझे जवाब दे रही थी जैसे मेरे पे अटैक करी हो डैड। ओए मुझे तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। मेरा मतलब है हमारे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ उन लोगों में होती है जो अंदर से स्ट्रांग हो, मेरा मतलब सेल्फ मेड हो, स्कॉलरशिप लेने वाले। बाबा यहाँ हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, आप उस नज़र से देखें, या कोई जॉब कैंडिडेट की बात नहीं हो रही। जज तो तुम उसे वैसे ही कर रही थी। इंसान जब किसी से पहली बार मिलता है ना तो उसको कंफर्टेबल करता है, वरना ऐसे हसास लोगों को अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला उसे किस नजर से जज कर रहा है। हसास और कॉम्प्लेक्स में फर्क होता है डैड। खुद से क्या क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? देखो हर कोई टेलरमेड तो नहीं होता ना। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत वेल मैनर्ड और लॉजिकल लड़की लगी, तुम्हें पता नहीं कॉम्प्लेक्स क्यों लग रही है वो। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया शेरी। नहीं अभी तक फैसला तो नहीं किया, लेकिन हाँ कंसिडर जरूर करो। एंड आई जस्ट थिंक दैट मी एंड एलिज़े शुड गेट टू नो ईच अदर। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ, एंड आई डोंट थिंक उसकी फैमिली को कोई एतराज हो। मैंने ना पूरी रात बड़े ख्वाब देखे। अच्छा क्या ख्वाब देखा? इतना कोई फनी ख्वाब था, मतलब कि रिश्ते की बात तुम्हारी चल रही है और शादी मेरी हो रही है। यू नो व्हाट इट मींस? इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी के फौरन बाद ना मेरी शादी भी हो जाएगी, फिर मेरा भी बड़ा सा घर होगा, ना कोई काम धाम और ना ही मामा की डांट। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका मास्टर्स ख़त्म ना हो जाए। ओके ओहो तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो, बहुत सख्त दिल है तुम्हारा, मुझे लगा था तुम उसे शेरी भाई के बारे में बातें करोगी। रमजा यार एडमिशन के लिए देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। अरे यार सीरियसली मेरा इतनी दूर जाके पढ़ने का मूड नहीं है। रमजा यार चलो ना, डू कम ऑन कम ऑन क्विक जल्दी। कितना दूर है ये डिपार्टमेंट, बंदा पढ़ने से पहले ही थक जाए। इल्म हासिल करने के लिए लोग चीन भी चले जाते हैं। तो ठीक है मैं चाइना चली जाती हूँ, यहाँ से तो बेहतर होगा, ये जो अपने पैरों पे खड़े होने का सफर है ये ऐसे मुमकिन होता है। अब तुम्हें क्या लगता है जो अब्रॉड पढ़ते हैं वो धक्के नहीं खाते? Hello, anyway, how are you? Alhamdulillah.
अरे आई एम सॉरी अभी भी आंखें बंद करके ही चलती हो तुम रमजा एनवर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे एक्चुअली मेरी पोजीशन आई थी और डिपार्टमेंट में एक पोजीशन भी निकली है तो कुछ अरसा इधर पड़ा हूँ मुझे पहले ही पता था कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनोगे कोई ना कोई तीर तो मारोगे मेरी बहन दी से मुझे यहाँ मास्टर्स में एडमिशन के लिए लाई है इतना अरसा कहाँ था इतनी तो अब तो मिल गई हूँ ना काफ़ी खुशी हुई तुमसे मैं क्यों क्यों लंबी बात है फिर कभी बताऊँ रमजा चले पर ये मेरी बड़ी बहन है नीफे सलाम अलैकुम बाय प्रोवेटो ये वही है ना अमर बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ा होगा ऐसी कोई बात नहीं है वैसी बात और अगर ऐसी बात नहीं है तो इन बातों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है हम भी पलट पलट के यहीं देखते हैं मतलब दिस इज वन थिंग आई हेट अबाउट दिस मैन पहले पीछे पड़ता है फिर भाग जाते हैं चलो इतनी लेट हो है इतनी दफा कहा अब्बा को दरवाजा ठीक करना तुमने ना मुझे थका दिया ऐसे हाँ समोसे खाते हुए थकती को हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा बहुत गर्मी थी ये ना बहुत बुरी है इतना चलाया इसने मुझे जब तक काम खत्म हुआ ना बैंक बंद हो गया मैडम को समोसे खाने थे ना एक तो तुम भी ना तुम्हारा बचपना कब जाएगा वहाँ भी जाना था बैंक भी जाना था समोसे भी खाने थे दोस्त भी आ गए थे वहाँ उनसे भी मिलना था आपको पता है मज़ा बड़ा आता है बड़ा सा कैंपस हवादार लगता है तुम इसको मास्टर्स करवा के ही छोड़ोगे जी इनसे क्या बात है अम्मी परेशान लग रही हैं आज आप क्या हुआ पापा ने कुछ कहा है अरे नहीं भाई बस थक गई हूँ थोड़ा सा वैसे भी घर खाली होता है ना तो दिल उदास सा हो जाता है कुछ भी नहीं है चलो मैं खाना लगवाती हूँ नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है आज हम कैंटीन से बहुत मज़े के बन कबाब खा के आए हैं चलो कल एडमिशन हो जाएगा इसका लगता है आपको कोई खुशी नहीं हूँ क्यों खुश नहीं हूँ बेटा तुम दोनों को देख कर ही तो खुश होती हूँ मामा क्या हुआ है क्या उनका फ़ोन आया था फ़ोन ही तो नहीं आया हालांकि क्या मामा अगर उनका फ़ोन आ भी गया वो राज़ी हो भी गए तो मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ मामा आपको उनकी यूँ कॉल का इंतज़ार करते हुए देख के ना वो भी इतनी बेचैनी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा इट्स अपसेटिंग मी मुझे साथ की ज़रूरत हो सकती है लेकिन बैसाखी की नहीं क्योंकि मैं खुद मुख्तार लड़की हूँ अगर वो अच्छा हुआ मुझे समझ में आया तो ये मेरा फैसला होगा कि मैं उसे कबूल करूँ या ना करूँ सिर्फ उसका नहीं मामा आई डोंट नो आई फील आप आज भी उसी माइंडसेट से बिलोंग करती हैं जो लड़कियों को सिर्फ एक शोपीस बना के रखता है क्या मुझे तुम दोनों के बारे में फिक्रमंद होने का भी हक नहीं है नहीं क्योंकि आप दो बहुत मजबूत बेटियों की माँ हैं और बाबा मैं आपके माथे पे अपने लिए फिक्र की एक लाइन या लकीर नहीं देखना चाहती जरा सी भी नहीं मामा आई मस्ट स्पीक टू हिम जब भी उनका फ़ोन आया आप उनको कह दीजिएगा कि मज़ीद बात बढ़ने से पहले मैं शहरी से ख़ुद बात करना चाहूँगी आई नीड टू टॉक टू हिम ओके यार अलीसे उन लोगों ने अभी तक बताया क्यों नहीं कि तुम उन्हें कैसी लगी हो चुप करो रमजी और अपना काम करो ये देखो ये वाला सब्जेक्ट चूज करो अब तुम्हारी सस्ती शादी वादी का भूत क्यों नहीं उतर पर इस वक्त ना मुझे सिर्फ तुम्हारे भूत की फिक्र हो रही है कितनी बोरिंग हो ना तुम वैसे तुम्हें कोई रिजेक्ट कर तो नहीं सकता सवाए उसकी उस बहन नताशा के लेकिन शेरी भाई ना मुझे बहुत स्वीट लगे हैं कभी तुमने देखा है ऐसा इंसान जो पहली बार घर आए और लग ही ना रहा हो कि वो पहली बार आए ये भाई भाई ना करो मेरे साथ ये सब्जेक्ट चूज करो कौन से करने हैं चलो इकोनॉमिक्स लेना है तुमने कि मैथ्स लेना है अलीज़े हमदानी साहब का फ़ोन आया था वो इजाज़त मांग रहे थे तुम्हारा नंबर शेरी को देने की वो भी तुमसे बात करना चाहता है कह रहा है अच्छा ज़रा दोनों की आपस में जान पहचान हो जाए ओह तो ये हो रहा है और ये ना मुझे बिलावचन में डांटे जा रही है वो तुम तो चुप ही करो ना बात भी करने दिया करो अच्छा अलीज़े बताओ क्या कहती हो दे दो इजाज़त दे दे मामा अच्छा चलो गुड गुड वैसे मैंने सुना है कि कुछ नतीजे ना इम्तिहान से पहले ही आ जाते हैं अब मैं सोच रही हूँ कि आगे क्या होगा रमजी प्लीज़ मेरे साथ ये स्टूपिड बातें ना किया करें
तुम्हें अंदाजा भी है ऐसी अंधी मोहब्बतों और अंधे एतमाद का क्या नुकसान होता है? यू नीड टू स्टे विजिलेंट। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जैसी तुम समझते हो, जैसी मैं समझती थी। ये दिल नहीं दिमाग का फैसला है और इसको ऐसे ही करना होगा सोच समझ के। तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। चलो अब करो सब्जेक्ट चूज। कब से तुम्हें कह रही हो इकोनॉमिक्स कर लो, ये कर लो, नहीं करना होता तुमने। हेलो, मैं शेरी। जी मैं जानती हूँ, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। मैं सोच रहा था हमें एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। जी ठीक है, जरूरी है ये भी। डैड को तुम बहुत अच्छी लगी, वो आप सबसे मिलके बहुत खुश हुए थे। तो आप किसी प्रेशर में बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, इस वजह से थोड़ी फोन कर रहा हूँ। हमें तो वैसे भी बात करनी चाहिए ना। एक मुलाकात तो कभी भी काफी नहीं होती, और स्पेशली जहां जिंदगी भर की बात हो। क्या क्या सोचा आपने मेरे बारे में? एक्चुअली आई गॉट बिजी, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। समझी का एडमिशन कराना था, फिर घर पे काम और ऑफिस, आई डिडंट गेट टाइम टू थिंक। फिर तो यहाँ आके आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में तो आपको कोई काम नहीं होगा। आपको किसने कहा मैं आपके घर आ रही हूँ? I mean, अभी तो we don't even know each other। लेजे तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। मेरा ख्याल से हमें कल लंच पे मिलना चाहिए। कल? कल मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है, आराम से we can take our time। Okay, I'll see you then. Great. I'll see you tomorrow. Please have a seat. Thanks. Oh, hi. वाओ, आप तो एग्जैक्ट टाइम पे आ गई। जी मुझे बिना वजह किसी को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। वैसे इंतजार में भी अपना ही मजा होता है। पता नहीं आपने कभी किसी का किया है या नहीं? नहीं कुछ खास नहीं। अच्छा किया कि आप आ गई। मैंने कहा था ना आपको, लहजे धोखा दे सकते हैं लेकिन चेहरे नहीं। एक्चुअली लीजे, शादी के लिए मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और शादी भी एक ही करनी है, इसलिए बेहतर यही समझा कि बड़ों के फैसलों को तरजीह दी जाए। एंड यू नो व्हाट, आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। नीदर डू आई। मेरी नज़र में उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है जिसमें औरत को इज्जत ना दी जाए। हम बहुत मेहनत से वो बनते हैं जो आज हम हैं, तो किसी को हक नहीं है कि वो हमें मिटा सके। I'm quite straightforward, मुझे गोलमोल बातें नहीं आती। खैर थोड़ी बहुत गोलमोल बातें कर ही लेनी चाहिए। You know, straight line में मुझे ज़िंदगी पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं, इसलिए मैं काफ़ी मुश्किल पसंद हूँ। Then great, you can take me on as a challenge। नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है। सर लंच रेडी। चलें लंच करें। Sure. हेलो। हेलो कहाँ हो यार, कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं ऑफिस में हूँ, तो क्या कर रही होंगी, काम ही कर रही होंगी ना यार। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि लंच पे चलें। अभी तो लंच पे गई थी तुम्हारे साथ, कितने लंच करेंगे रजा? जितनी दफा मैं कहूँ उतनी दफा। अच्छा सुनो, 10 मिनट के अंदर अंदर पार्किंग पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तुम्हें ऑर्डर क्यों दे रहे हो रजा मुझे? यू नो आई डोंट लाइक दिस। यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड हैव लंच, क्योंकि मैं नहीं आ, मुझे बहुत काम है। माय फेवरेट प्लेस। अरे जावेद। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो?
एक्सक्यूज मी, क्या बात है? ये रखो, और भी भेजता तुम्हें। थैंक यू सो मच। वो अपना अकाउंट नंबर भेज देना। यस मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ऑलराइट थैंक यू। सॉरी एक्सक्यूज मी। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, एनीथिंग हेल्प? नो आई एम गुड थैंक यू मैम। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सर जैसा बंदा कहीं नहीं देखा। अल्लाह ने खुश रखे मैम। मेरे भाई को पढ़ा रहे थे, अब दूसरे भाई की भी मेरी फीस ली है। ओके ओके कुछ और लोगी? काफी तारीफ कर रहा था वो आप। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। बस मुझ में और उसमें ये फर्क है कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ और ये गरीब में। जब तक इस दुनिया में आप जैसे लोग हैं, अच्छाई इस दुनिया में हमेशा रहेगी। वैसे मैं इस बात की बहुत कायल हूँ कि अगर इंसान को हुनर दे दिया जाए तो पैसे वो खुद कमा लेता है। Well said. नहीं बिल मैं दूंगी। Not at all. Bill is on me. नहीं अगर आप बराबरी पे यकीन करते हैं तो why always men? It's okay. Next time आप पे कर देना यार। You never know when the next time is. क्या मतलब? Next time नहीं मिलेंगे मुझे? नहीं यानी फ्यूचर किसने देखा? जी I'm just about to come in 30 minutes. Okay. मैं चलती हूँ। Thanks for the lunch. It was lovely seeing you. Should I see you out? No, I'll be coaching. Bye. Bye. जावेद गुन गाएंगे बल खाएंगे प्यार।